Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. So ये मेरा first vlog है YouTube channel पर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ औरंगाबाद केव्स और यूनिवर्सिटी में मतलब एक्सप्लोर कराएंगे आपको आज पूरा गोगा बाबा टेकड़ी दिखाएंगे, सुनहरी महल और औरंगाबाद के वगैरह थोड़ा माउंटेन्स वो साइड दिखा देंगे आपको। तो चलिए चलते हैं। अरे उसमें क्या है, आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। सो गाइस, ये है औरंगाबाद की फेमस ट्रैकिंग प्लेस यूनिवर्सिटी में गोगा बाबा टेकड़ी। संडे के दिन यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है। मेरे को भी आना था लेकिन आना हुआ नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आएंगे। अच्छे से मैं एक बार प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा इसका भी।
इसको चढ़ने के ना दो रास्ते, एक वो सामने से एंट्रेंस के सामने एक रास्ता है, और एक ये जहाँ से लोग आते हैं ना हम वहाँ से जाएंगे, जहाँ से लोग नीचे आते हैं हम वहाँ से चढ़ेंगे। पूरा जंगल है, उसकी औकात पता चल के गाइस, ये जंगल को देख के ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई जंगली जानवर सामने आ जाएगा, एकदम अचानक आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप चढ़ रहे हो पहाड़ पर, आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसके चारों तरफ पूरी फेंसिंग की गई है। पूरा चारों बाउंड्रीज पर पूरी फेंसिंग की गई है। इतना जो छोटा सा जंगल का पार्ट है वो इंसानों के लिए है। यहाँ पर हर सैटरडे संडे, हम दिनों में भी, वीक में, ऐसे नॉर्मल डेज में भी बहुत सारी पब्लिक आती है यहाँ पे। आज तक अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। बस ये आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, ये ऐसे लोगों की वजह से बस थोड़े हादसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, बाकी और कुछ होता नहीं। यहाँ पे ना मोर की आवाज़ें आ रही है, शायद वो उधर नीचे के साइड में वहाँ पर मोर है। अभी कैमरा मैंने जैसे ही बन किया ना वैसे मोर की आवाज़ आई। काश कैमरा चालू होता, आप लोग सुन सकते हैं। ये जो ट्रैक है ना, बेसिकली क्या होता है, कोई भी माउंटेन्स पर जाते हैं ना ट्रैक करने के लिए, तो चढ़ने के टाइम पर मुश्किल होता है, उतरने के टाइम पर आसान होता है, इजी जाता है। लेकिन ये ऐसा ट्रैक है जो चढ़ने के टाइम पर थोड़ा इजी है, उतरने के टाइम पे हार्ड जाता है, बहुत हार्ड जाता है। ऐसा लगता है आप गिरेंगे जब गिरेंगे। हाँ, ले ले।
एक आपका गलत कदम रहता है और आप सीधा नीचे जाते हो। और हवा ना पूरी ये इस साइड की हवा, सामने की साइड की है, तो पूरा फेस बॉडी उधर जा रहा है। यार मैंने बस फिर से कैमरा बंद करी ना, वैसी आवाज़ आई। इसको क्या यार, कैमरा बंद करती आवाज़ कर रहा है, कैमरा चालू होते टाइम आवाज़ नहीं कर रहा है। वो सामने ऑरेंज पोल दिख रहा है ना, तो वो गर्म पानी का एरिया है, उसके पीछे पूरा छावनी है। और ये सामने सुनहरी महल है, औरंगाबाद का सुनहरी महल जो यूनिवर्सिटी में आता है। अभी नीचे जाएगी, आपको वहीं लेके जाएंगे डायरेक्ट, अभी आपको भी बताएंगे डायरेक्ट। चलिए चलते। सुना शायद रिकॉर्ड हुई होंगी इसकी वॉइस, मोर ने फिर से आवाज दी। सो गाइस, ये जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ ना, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। औरंगाबाद सिटी, हमारे औरंगाबाद शहर में ना कोई ऐसा प्रॉपर व्लॉगिंग करने वाला कोई है नहीं, जैसा मेरी एज का तो कोई है ही नहीं। वैसे दूसरे है, लेकिन ऐसे मेरी एज का कोई है ही नहीं। मैं इतना एक्सप्लोर करता हूँ सिटी को, हर सैटरडे संडे वीकेंड पे ना, तो मिड डेज में भी कभी टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए आ जाया करता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दिया करूँ, इसीलिए न्यू चैनल बनाया गया है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको पूरे सिटी का टूर कराऊंगी इंशाल्लाह। औरंगाबाद, खुल्लाबाद, ललताबाद, एलोरा केव, मैं ज़्यादा देर तक कैमरा ऑन नहीं रख रहा हूँ, बस वही चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आप लोगों को देखने में मज़ा आए और मेरे को भी थोड़ा दिखाने में एंटरटेनमेंट हो। वो सामने पार्किंग है, तो चलिए चलते डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। सब्जी बता रहे, क्या बता रहे, वो अपने दूध का लो उधर, मसाले दूध का। तो गाइस, अभी अंकल ने बोले ये मसाला दूध किंग की स्टॉल है, तो आप लोग ज़रूर आइए टेस्ट कीजिए। 25 रुपया फ्रेश बनाते हैं अंकल आप, एकदम एकदम फ्रेश, घर का दूध रहता, भैंस का दूध आप घर से, अच्छा फैट वाला दूध रहता। तो गाइस इन्हीं के पास तबेला है इनका खुद का, और दूध यूज करते, लोहे की कढ़ाई और लकड़ी में बनता है, लोहे की कढ़ाई अंकल के पास, लकड़ी में बनाते हैं अंकल, लकड़ी की। तो
गाइस आप जब भी आएंगे यूनिवर्सिटी में आइए अंकल की शॉप पर। ओके थैंक यू अंकल। यहाँ पे भुट्टा भी मिलता है अभी भी, पहले से वो अंदर की स्टॉल सी थी, अभी भुट्टा भी आया है। सो हम आ चुके हैं नीचे, अभी चलते हैं सीधा सुनहरी महल। स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे को भी नर्वस फील हो रहा था, लेकिन अभी बनाने में मज़ा आ रहा है। मैं ट्राई करूँगा डेली व्लॉग्स बनाने की, हो सका तो डेली व्लॉग्स बनाऊँगा। ये हमारी गाड़ी, चलिए चलते हैं। ये हम आ गए सुनहरी महल के पास, और अभी हम वो पहाड़ पे गए थे सामने की तरफ। चलिए आपको एंट्रेंस के पास लेके चलते हैं। इसके ये गेट तो बंद है, शायद लॉक होगा, एक बार चेक कर लेते। है चालू है, चालू है। तो गाइस डॉग ऐसे देख रहे हैं सब भी आएगा काटने के लिए। क्यों डर रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा, देखो। सो गाइस ये है सुनहरी महल की थोड़ी इन्फॉर्मेशन, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लीजिए बाद में। सो ये ऐसा कुछ एंट्रेंस गेट है उसका, बहुत पुराने टाइम का है ये, कई साल हो गए। ये सब बड़ा जेल की जैसा गेट है एकदम, जेल में कैसे गेट होता है ऐसा एंट्रेंस होती है, सेम ऐसी है। क्यों डर रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा, देखो ये खुद भी डर रहा है, मेरे को भी डरा रहा है एकदम। मकबरे के सामने कैसा रहता है एंट्रेंस का, एकदम वैसा ही सेम है। सुनहरी महल कुछ नहीं कहा, जो अंकल लॉक को निकाल रहे। ये सुनहरी महल का QR कोड है, इस पर शायद इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ अंकल, इसको स्कैन करें तो इन्फॉर्मेशन आती है। हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए बाद में। फिर अभी उनको हकारे बाद पीछे पीछे आ रही है। अंदर का तो, अंदर मतलब म्यूजियम ही है, वो टाइम की चीज़ें रखी हुई है पुरानी, शिवाजी महाराज की, औरंगज़ेब की, वो टाइम की चीज़ें रखी हुई है सब अंदर। तो शायद एंट्रेंस तो है चालू, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं है शायद अंदर, बट ट्राई कर दे। तो चाहे ये यहाँ की ना, ये चीज़ सबसे अच्छी दिखती है उनको, स्लो मोशन में पानी आता है यहाँ पे। यहाँ एक बोरवेल है, बोरवेल से फ्लो होते हुए, पहले ये मतलब नेचुरली था, लेकिन बाद में इसको मोटर लगा दिया। सुनहरी महल की रौनक बढ़ाता है ये, इसको और ब्यूटीफुल करता है। आपको एक बार अच्छे से व्यू दिखा देता हूँ एकदम चारों साइड का। सो अंकल रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है ना? हाँ ओके, मंडे को भी बंद रहता है, यहाँ लिखकर लगाया मंडे को क्लोज। फिर भी हम जा सकते थे, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं है। चलिए बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में दिखाने के लिए, सबसे बेस्ट तो यही है सुनहरी महल। चलिए आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, वो सामने भी औरंगाबाद केव्स, जो एकदम प्रॉपर केव्स हैं औरंगाबाद के, वो उधर सामने, बाकी सब बीच में छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है पूरे पहाड़ में।
चलिए डायरेक्ट औरंगाबाद केव्स चलते हैं। स्टैचू है तो ये पोस्टर में है, पहले यहाँ पे ओरिजिनली एकदम दीवार के अंदर पेंट की गई थी पूरी एलोरा केव्स की जैसी, लेकिन अभी पूरी ख़राब हो गई, निकल गई है पूरी, पुराना हो गया है बहुत। लेकिन ना पूरे औरंगाबाद के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है ना, सबसे अच्छी देख रेख जो अभी तक इसकी की गई है, इसी यहाँ के ही लोग करते हैं बस। एलोरा केव्स इधर उधर, अब एलोरा केव्स भी कभी गए तो आपको बताएंगे, एलोरा केव्स भी मतलब एकदम पूरा अंदर के जितने भी स्टैचूज है पूरे टूट गए, पूरे ख़राब हो गए। आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी देखे होंगे अभी यूट्यूब पर, नहीं तो सर्च करके देख लीजिए, काफ़ी सारे जितने भी है ना मॉन्यूमेंट्स अंदर के पूरे टूट गए, लेकिन अभी तक का सबसे अच्छा जो एकदम सेफ करके रखा गया है ना, तो वो सुनहरी महल है। काफ़ी अच्छा इसमें ब्लैक कलर अभी भी करा है, नहीं तो पहले एकदम ओरिजिनल था, और अच्छा दिख रहा है, ब्लैक कलर एकदम ओरिजिनल दिख रहा है। तो ये भी कुछ मॉन्यूमेंट है यहाँ पर सुनहरी महल से एकदम बाजू में ही है। ये शायद मज़ार है किसी, नहीं मज़ार नहीं कुछ है, ओके बावड़ी है पूरी, यहाँ से एंट्रेंस है उसका। हाँ ये पूरी बावड़ी है अंदर, यहाँ से एंट्रेंस है उसका। ये शायद वो टाइम पर मुजरिमों के लिए होती होगी, मुजरिमों को सजा देने के लिए। अंदर कुछ होगा इसके, जब पानी कभी खाली होगा, अभी तो बारिश के दिन है पानी खाली हो नहीं सकता, अभी जब पूरा पानी एकदम गर्मी के दिनों में खाली हो जाएगा ना, जब समझ में आएगा। मैं देखता था इसको लेकिन कभी ऐसा अंदर आया नहीं, आज फर्स्ट टाइम आपको बताने के लिए आ गया। खबर है, हाँ मैंने सही कहा, इसकी खबर है बराबर। इसका नहीं पता है ना, ये कुआ था, मतलब कुआ था वो टाइम का कुआ था, तो मतलब वो टाइम पे मुजरिमों को इसमें सजा देते थे शायद, कुछ नहीं, नहीं, फांसी वासी देते थे। पीने का था ये, पानी पीने का कुआ ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रास्ता है इसको जाने के लिए अंदर, तो वही ना, फिर पानी पीने के निकालने के लिए इसलिए था। ओके ऐसा कुछ है, सही है। चैनल बताया है भाई ने, सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके भाई से बातें की अभी थोड़ी, तो भाई बता रहे थे कि अंदर का, अंदर जाके एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करो, बताओ अंदर का भी, लेकिन वो परमिशन भी नहीं देके कैमरे की। मैं कैमरा फिर भी ऊपर ऊपर की जेब में रख के बता दूंगा आपको, लेकिन अभी मंडे को बंद रहता है, तो ये भी एक पेंडिंग में रहेगा, बताएगी फिर कभी आए तो चलिए चलते हैं अभी। ये इतना पीसफुल लगता है ना यहाँ पे, इतना सुकून लगता है, रिलैक्स, कोई साउंड नहीं, एकदम बस बर्ड्स की ऐसी नॉइज आती है। यहाँ पे तो गाड़ी की आवाज़ भी अच्छी दिख रही, साइलेंसर की आवाज़ भी अच्छी नहीं लग रही है, इतना पीस, एकदम रिलैक्स। सो गाइस देखो सांप, यहाँ पे सांप, ये जो सामने की तरफ ये दिख रहा नहीं है, हेलो ये सांप है,